ලෝක්ෂණ වයිසනයක් හිබුලන් පයෝරේතු අස්මා සුදත්ත हमारे पुरानी जो यात्रा हमारी गई वहाँ पर गुलदस्ता है डिफरेंट कम्युनिटीज का। सरदार हरचंद सिंह जी सेक्टर वार्डन तो हमारा संगम, ये वाकई संगम है ना संगम, क्योंकि सारा यात्रा जो आती है बाहर से, पहले वो यहाँ पे लोग आते हैं, अपने आप को यहाँ से टोकन लेते हैं और उसके बाद हमारे जो रजिस्ट्रेशन काउंटर्स हैं वहाँ जाते हैं कि उनकी डेट तय होती है किस दिन उनको जाना है। तो इस सेंटर का अपना बहुत महत्व है। तो मैं आज यहाँ पे जो श्री अमरनाथ जी वेलफेयर सोसाइटी ने यहाँ पे एक सिविल सोसाइटी का जो हमारी NGO है उनका बहुत रोल रहता है जो हमारे यहाँ पे हैं, उसी सिलसिले में इस सोसाइटी ने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया है एक लंगर को, चाय पानी को, रिफ़्रेशमेंट्स को और पूरा एक आउटलेट खोला है और बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर उन्होंने उसका अरेंजमेंट किया है। तो मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ कि किसी भी मुहिम में, यात्रा पे और इस अरसे की जो यात्रा और इतनी लंबी जो यात्रा है उसे बहुत ज़रूरी है कि यात्री जब किसी जगह पे आए रिपोर्ट करे तो उसको वहाँ पे स्वागत होना चाहिए, उसको सुख सुविधा उस तरह की दिखने चाहिए कि वो उत्साह से भर जाए, मोटिवेशन लेवल उसका, एंथुजियाज्म बढ़ जाए, क्योंकि उसको अपना जो पड़ाव है, आखिरी पड़ाव इस यात्रा का भोलेनाथ का दर्शन और फिर वापस आना, तो उसको लगे कि नहीं, ये स्टेट मेरा, राज्य मेरा स्वागत कर रहा है। हमारी स्टेट जो है वो एक गुलदस्ता है, अलग अलग यहाँ पे धर्मों के अलग अलग जो सेक्ट्स के लोग रहते हैं और मिलजुल के रहते हैं, और इस तरह इंतज़ामिया में भी हमारे जो जितने भी ऑफिसर्स हैं हर लेवल पे, जब सैनिटेशन हो, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, पुलिस हो, और ख़ासकर जो यहाँ पे सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स हैं उनका भी बहुत अहम रोल है। उनको भी आज हमने यहाँ पर सम्मानित किया है, उनकी सर्विसेज को कंसिडर किया है, नवाजा है। तो मैं समझता हूँ कि इस यात्रा में आज जैसे थोड़ा सा बारिश का, हालांकि यहाँ टेम्परेचर बहुत ठीक हो गया, लोगों को बड़ी राहत मिली है, लेकिन रास्ते में कई जगह पे यात्रा अभी थोड़ी देर के लिए हम लोगों ने उनको विश्राम दिया है ताकि फिर वो आगे चलेंगे। तो इस स्थान पे हम लोगों को डूज एंड डोंट्स भी बता रहे हैं कि क्या क्या आपको यात्रा को करना है, अपने आप को मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर बिल्कुल आश्वस्त करके जाएँ कि यात्रा लंबी है, उसमें हमें क्या क्या करना है, और यहाँ पर उनको पूरी तरह से पौष्टिक आहार दिया जाए, अच्छी ग़िज़ा दी जाए, उनको जो है कोई अगर उनको भ्रम है, कोई उनके संदेह हैं, कोई उनको जानकारी चाहिए तो उसके वो भी पूरी फराहम की जाए, वो भी पूरी मुहैया की जाए यहाँ पे, ताकि ये वो सेंटर जो इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है लोगों को, डूज एंड डोंट्स के बारे में बता रहा है, लोगों को जलपान की सुविधा भी दे रहा है और लोगों को आश्वस्त कर रहा है। फैसिलिटी अच्छी है, बाबा के धाम पे आए, हम तो चाहते हैं और लोग भी आए अमरनाथ जी का दर्शन करें। ओ मैं तो 3 बार गया जी और ये 4थी बार जा रहा हूँ, अच्छा लगता है, एक एक महीने रुकता हूँ। हाँ जी, जम्मू में आके बहुत अच्छा लग रहा है और जम्मू के प्यारे लोग देख के हमको लग रहा है कि इधर कोई जो लोग बोल रहे हैं कि ऐसा होगा तैसा होगा, लेकिन साहब जो अभी मीटिंग में जो बात हुआ ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा प्रोडक्शन किया है, और उनके हिसाब से जो डिफेंस सिविल वाले हैं वो मुझे लगता है बहुत अच्छी तरह से अपने एंगल से, अपनी सोच से, अपने अच्छे विचार से काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सर, पहली बार आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छी फैसिलिटी है। नहीं सर कुछ नहीं है। आई थिंक बहुत अच्छा फील हो रहा है, मैं पहले काफ़ी देर बाद आ रहा हूँ, तकरीबन 5 साल के बाद आया हूँ यहाँ पर, और बहुत अच्छा फील हो रहा है, काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है, फैसिलिटी वगैरह काफ़ी चेंज हो चुकी है। पिछले साल से बाबा अमरनाथ जी यात्रा वेलफेयर सोसाइटी जिसका मैं प्रेसिडेंट हूं, तो लास्ट ईयर से हमने ये यहां जो काउंटर है, करंट बुकिंग का काउंटर है, यहां से यहां हमने लंगर शुरू किया। लास्ट ईयर भी बहुत अच्छे तरीके से जब तक यात्रा चली तो ये लंगर का हमने पूरी सुविधा प्रोवाइड की यात्रियों के लिए, क्योंकि यहां एक अलग किस्म का ये लंगर है कि यात्रे जो आते हैं बाहर से, गुजरात से, पंजाब से, महाराष्ट्र से और भी बंगाल से, वो सुबह 2:30 बजे यहाँ पहुँच जाते हैं और लाइन में रख के उनको पर्ची लेनी होती है, और इमीडिएटली सारी रात उनको कुछ खाया नहीं होता है, और सुबह उनको कम से कम यहाँ हम चाय का, कॉफ़ी, बिस्किट्स और जो स्नैक्स का अरेंजमेंट किया करते हैं, तो कि यात्री को इमीडिएटली उनका रिलीफ मिले खाने के माध्यम से। तो उसके अलावा इस साल फिर हमने उसी तरीके से ये शुरू किया, आज 4th दिन है। आज के दिन हमने
जो है डिवकॉम जम्मू जी को उन्होंने यहाँ पूजा की, पूजा शंकर भगवान की की, उसके बाद ये जितना भी यहाँ भोग चढ़ा और उसके बाद ये प्रसाद जो है आपके सामने, ये जो यात्री जो हैं ये भोले शंकर का प्रसाद यहाँ लेते हैं।